नमो नमः। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे सर्वेषां स्वागतम। हम दसवीं कक्षा की जो स्पंदना नामक पुस्तक है उसका जो राष्ट्र गौरव नाम का पाठ था उस पाठ के प्रश्न उत्तर कर रहे थे और उन प्रश्न उत्तर में अपने जो व्याकरण के प्रश्न थे वो अपने बाकी रहे थे तो उनकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नाम उल्लेख करणीय कि ये जो नीचे आपको पद दिए गए हैं इन पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी आपको लिखना है, संधि का नाम उल्लेख करना है। तो देखो ये चैव है, चैव किससे बनता है, ये बनता है च धन एव से, चैव धन एव। इसमें जब आप कौन सी संधि करोगे, वृद्धि संधि करोगे, कौन सी संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि करने से आपका शब्द बनता है चैव बनता है। वृद्धि संधि होती है अ के बाद में ए हो तो ऐ होता है, ऐ हो तब भी ऐ होता है, अ या आ के बाद ओ हो तो औ होता है, अ या आ के बाद औ हो तब भी औ होता है। तो इसमें आपकी संधि है वृद्धि संधि। धन्यास्तु, धन्यास्तु में देखो आप इसे मूल शब्द है धन्या, धन्य शब्द का प्रथमा के बहुवचन में धन्या और आगे आ जाएगा तू। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ ये विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग से ही आपको पता चल रहा है कि ये संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। संधि का नाम क्या होगा, विसर्ग संधि। क्यों, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर हमेशा जो संधि कार्य होता है वो विसर्ग। आप संधि पढ़ते हो तब एक आप विशेष बात ध्यान रखना, जब आप स्वरों के स्थान पर संधि कार्य करोगे तो आप वो स्वर संधि कहलाएगी, अगर आप व्यंजनों के स्थान पर स्वर कोई भी संधि कार्य करोगे तब आपकी वो व्यंजन संधि कहलाती है, और जब आप विसर्ग के स्थान पर कोई संधि कार्य करते हो तो आपकी वो विसर्ग संधि कहलाती है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, अगला आपका पद है भवतः सर्वदा। भवतः यहाँ पर भी देखो आप वो भी सेम तो वही संधि है, बनता है भवतः धन सर्वदा, भवतः धन सर्वदा। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, विसर्ग दिख रहा है, इससे पता चल रहा है इसमें आपकी संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि। अगली आपकी जो संधि है जन्म भूमिष्ठ, जन्म भूमिष्ठ में आपका जो मूल शब्द है वो है जन्म भूमि ही धन। अब आप स्वयं देखो जन्म भूमि के आगे आपको क्या दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है, तो इसमें भी आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। इसमें भी संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। अगली जो आपकी संधि है भारतम नाम है, देखो भारतम में जो मूल शब्द है वो आपका रहता है भारतम धन नाम। यहाँ पर जो आपको ये म दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जो आपको म दिख रहा है इस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, क्या होता है अनुस्वार, तब अनुस्वार होगा तो इस म का भी ऊपर ऐसी ऊपर एक बिंदी बन जाएगी इस प्रकार से, तो ये आपकी संधि हो जाएगी अनुस्वार संधि। तो संधि का इसमें संधि का नाम क्या है, अनुस्वार, और ये आपके अनुस्वार आती किस में है, ये हल संधि में आती है, कौन सी संधि में, हल संधि में, हल संधि कहो या व्यंजन संधि कहो उसमें आपका बनता है। अगले जो आपने दे रखा है निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्ययः निर्देशः करणीयः, आपको इसमें प्रत्ययों का निर्देश करना है। इसमें आपको प्रकृति तो दे रखी है, प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द दे रखा है और आपको इसमें सिर्फ और प्रत्यय लगाकर बताना है कि इस मूल पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आप थोड़ा ध्यान दो, जो पितृभू शब्द है पितृभू शब्द के अंदर एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय से जो शब्द बनता है वो नपुंसक लिंग में बनता है त्वम, उसका सेंस क्या रहता है त्वम, पितृभू से करोगे तो पितृभूत्वम, महत से करेंगे तो महत्वम, लघु से करेंगे तो लघुत्वम, इस प्रकार जितने भी राम से करोगे तो रामत्व, ये जो त्व प्रत्यय लगता है ये तदित प्रत्यय है, ये हमेशा शब्दों के बाद में लगता है, धातु के बाद में कभी नहीं लगता है।
जिसके पीछे आपको त्वम दिखे, क्या दिखे? त्वम, तो समझ जाना उसमें आपका प्रत्यय भी कौन सा है, त्व प्रत्यय है। अगला देखो, पुण्य भूत्वम, यहाँ पर भी पीछे आपको क्या दिख रहा है, त्वम दिख रहा है, तो सीधी सी बात है इसमें भी आपका प्रत्यय कौन सा है, त्व प्रत्यय है। अगला है स्वत्वम, इसमें भी पीछे क्या दिख रहा है आपको, त्वम दिख रहा है, इससे भी पता चलता है इसमें भी प्रत्यय कौन सा है आपका, त्व प्रत्यय है। अगला आपका जो पद इन्होंने दिया है वो है शिक्षणीय, शिक्षणीय में देखो आप शिक्ष अनीय अनीय अन्य इस प्रकार आपको कुछ दिख रहा होगा, इससे पता चलता है इसका जो प्रत्यय है वो कौन सा है, अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में करोगे तो शिक्षणीय शिक्षणीय शिक्षणीया, इससे पट से अनियर प्रत्यय करोगे तो पठनीय बनता है, खाद्य धातु से अनियर प्रत्यय करोगे तो खादनीय बनता है, इस प्रकार गम से करोगे तो गमनीय बनता है, इस प्रकार जो जो आप बनाओगे उन सब में अनियर प्रत्यय होगा। आवृत्य, इस पर देखो आ उपसर्ग है और वृत्त धातु है, हमेशा धातु के बाद में उपसर्ग लगता है, कोई भी धातु के बाद में उपसर्ग आ जाए, आ क्या है, क्या आ उपसर्ग है, तो ध्यान रखना धातु के बाद में कभी भी आपको उपसर्ग मिलता है और उसके पीछे आपको हमेशा क्या दिखता है, ये दिखता है, तो उसमें प्रत्यय कौन सा है, उसमें ल्यप प्रत्यय आता है, कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय। अगला है भवितुम, जिसके पीछे तुम आपको वैसे दिख ही रहा है तो इससे पता चल रहा है कि इसमें आपका प्रत्यय कौन सा होगा, तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय, तुमुन में हमेशा तुम से रहता है, भू से करोगे तो भवितुम, पट से करोगे तो पठितुम, लिख से करोगे तो लेखितुम, इस प्रकार आपके शब्द बनते हैं, पद बनते हैं। अवलंबे, वही सेम टू सेम बात है, देखो अब उपसर्ग है, लंब धातु है, अब और लंब, और यहाँ पर पीछे आपको क्या दिख रहा है, ये इससे वो पहले वाला उदाहरण आया था वो सेम वही है, तो इसमें भी आपका प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। हा धातु से कत्वा प्रत्यय करते हो, कौन सा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय करते हैं, कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, जब कत्वा प्रत्यय करते हैं तो कत्वा में कह की संज्ञा हो जाती है और सेंस क्या रहता है, त्वा सेंस रहता है, पट से करते हैं तो पटित्वा बनता है, भू से करें तो भूत्वा बनता है, खाद से करते हैं तो खादित्वा बनता है, गम से करेंगे तो गत्वा बनता है, इस प्रकार जहाँ त्वास दिखता है पीछे उनमें प्रत्यय होता है त्वा, त्वा का मतलब होता है जा करके, इस प्रकार। अगला आपका जो शब्द है वो है गरीयसी, गरीयसी मतलब महान या बड़गर, इसमें गुरु शब्द हैं, गुरु शब्द से आपने ईय सून प्रत्यय किया, आपने कौन सा प्रत्यय किया, ईय सून, अब यहाँ पर जो मूल शब्द है जो सी में जो आपको ई दिख रहा है उसमें कौन सा प्रत्यय आया है, तब आप ध्यान रखना इसमें आपका एक प्रत्यय आता है जिसका नाम है घीप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, घीप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय का ये प्रकरण होता है उगितश्च सूत्र है पाणिनि का, वो सूत्र इसमें क्या करता है, घीप प्रत्यय करता है। अब आपका ये शब्द किस लिंग का बन गया है, स्त्रीलिंग का बन गया, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया है, घीप प्रत्यय हो गया है। अगला है संस्कृति मताम, संस्कृति इसका मूल शब्द है और संस्कृति शब्द से आप कौन सा प्रत्यय करते हो, मतुप प्रत्यय करते हो, कौन सा प्रत्यय, मतुप, मतुप जब प्रत्यय करेगा आप तो इस संस्कृति शब्द से आपका शुभ शब्द बन जाएगा, संस्कृति मता बन जाता है। कभी कभी देखो मतु प्रत्यय में विशेष ये भी बात होती है, ये जो प्रत्यय हैं मतु, ये तदित प्रत्यय हैं, तदित का मतलब ये होता है कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के बाद में लगते हैं मतुप से, जैसे मान लो आप बल से मतु प्रत्यय करते हैं तो बलवान बनता है, धन से करते हैं तो धनवान बनता है, गुण से करें तो गुणवान बनता है ना, इस प्रकार जो धनु से करें तो हनुमान बनता है, तो जो जो आन वान आपको कुछ ये शब्द दिखते हैं उसमें आपका मतु प्रत्यय है। अगला है अधोलिखितानाम समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय, आपको इसमें समास विग्रह करके बताना है कि इसमें इसका विग्रह क्या होगा, जो इसमें पद दे रखा है उन पदों का विग्रह क्या होगा। तो इसने दिया है हिमाद्री, शब्द क्या दिया है, हिमाद्री। अब हिमाद्री का सबसे पहले आप अर्थ निकालो, हमेशा समास का विग्रह करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आपके सामने जो पद दे रखा है
उस पद का आप हिंदी अर्थ निकालो। जैसे आप उसका हिंदी अर्थ निकाल लेते हो तब आप आराम से कारक के माध्यम से उसका विग्रह भी बिठा देते हो। हिमाद्री का मतलब होता है हिम का अद्री, अर्थात हिम कहते हैं बर्फ को, अद्री मतलब पर्वत, जो बर्फ का पर्वत है उसको अपन क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। तो मैंने लिखा हिम, मैंने शब्द क्या लिखा, हिम, किसका, हिम का, तो का के की षष्ठी में आता है, षष्ठी में इसका रामस्य के जगह बन जाएगा हिमस्य। अद्री है तो इसको तो वैसा का वैसा ही आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपका शब्द बन जाएगा हिमस्य अद्री ही हिमाद्री ही। हिम का जो अद्री है, बर्फ का जो पर्वत है, वो आपका क्या कहलाता है, हिमाद्री कहलाता है। अब आप कहोगे सर इसमें समास कौन सा है, तो इसमें आपने विभक्ति कौन सी की है, इसमें विभक्ति तो मैंने की है षष्ठी, और इसमें समास हो गया तत्पुरुष, इसमें समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला देखो आप, देव निर्मितम, इसका हिंदी अर्थ करो क्या होगा, देव निर्मितम मतलब देवताओं के द्वारा निर्मित, देवताओं के द्वारा बनाया हुआ, तो देवताओं ने बनाया है, तो जो बनाने वाले हैं वो साधन है, वो क्या है, साधन, और साधन में तृतीया विभक्ति होती है, तो देव का बहुवचन में क्या बनेगा, राम का बनता है रामई, तो देव का बन जाएगा देवई ही निर्मितम, क्या शब्द बन जाएगा, देवई ही निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित। और इसमें समास कौन सा है, आपने इसमें विभक्ति कौन सी की, इसमें मैंने तो की है तृतीया विभक्ति, और समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष, कौन सा समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला देखो, विश्व भांडम, विश्व भांडम का मतलब होता है विश्व का भांड, जहर का घड़ा, तो जहर का आ रहा है, का से लग रहा है, ये भी का के की षष्ठी विभक्ति करोगे, राम का रामस्य बनता है, हिम का हिमस्य बनता है, तो विश्व का बन जाएगा विषस्य, क्या है विश्व का, भांड है, तो भांडम, ये तो सेम टू सेम वही रहता है, विषस्य भांडम। सर इसमें समास कौन सा हुआ, तो इसमें समास होता है षष्ठी तत्पुरुष समास, कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला है उत्थान पतने, अब देखो उत्थान और पतन है, इसमें द्विवचन का प्रयोग किया है, एक तो ऊंचाई, सॉरी एक तो उत्थान मतलब उन्नति, और एक पतन मतलब अवनति, तो इसका मतलब होता है उन्नति और अवनति, और शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो जहाँ और शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए संस्कृत में एक अवयव आता है जिसका नाम है च, और जहाँ च होता है तो च के अर्थ में एक समास होता है जिसका नाम है द्वंद्व समास, तब आप इसको बनाओगे उत्थान है तो उत्थान का बनेगा उत्थानम च पतनम च, एक उत्थान और एक पतन है, तो अब सीधी सी बात है इसमें आपका समास भी कौन सा हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा उत्थानम च पतनम च। देखो चेक किया ना मैंने, चेक के अर्थ में हमेशा कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। शास्त्र चर्चा, शास्त्र चर्चा का मतलब होता है शास्त्रों की चर्चा, किसकी चर्चा, शास्त्रों की, तो इसमें भी देखो का के की आ रहा है तो आपका संबंध हो रहा है, षष्ठी विभक्ति आ रही है, तो शास्त्र का बहुवचन में क्या बन जाएगा, शास्त्रा नाम, शास्त्रों की क्या है, चर्चा है, तब आपका पद क्या बना, शास्त्राणाम चर्चा इति शास्त्र चर्चा, जो शास्त्रों की चर्चा है, तो शास्त्रों की चर्चा को ही अपन क्या कहते हैं, शास्त्र चर्चा कहते हैं। ये आपके समास हो गए। अब आपके कुछ पद इसमें दिए हैं, और वो पद क्या हैं, अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति, एक तो इसमें क्या करना आपको, मूल शब्द विभक्ति वचना नाम निर्देशः करणीय है, आपको इसमें मूल शब्द जो दे रखे हैं उन मूल शब्दों की विभक्ति और वचनों का निर्देश करना है। देखो आप इसमें पद तो दे रखे हैं, तो आप तो एक इसमें बताना, इसमें शब्द कौन सा है, इसमें विभक्ति कौन सी हुई है, और इसमें वचन कौन सा है, इस प्रकार आपको इसमें बताना है। देखो समुद्रस्य, समुद्रस्य में देखो राम का षष्ठी का एक वचन बनता है रामस्य, तो समुद्रस्य का क्या बनेगा, क्या बनेगा, मूल शब्द तो इसमें क्या हो गया आपका, समुद्र हो गया, क्या हो गया, समुद्र हो गया, ठीक।
और विभक्ति राम की षष्ठी में लगाते हैं और समुद्र की भी आपकी कौन सी विभक्ति? षष्ठी। और वचन हो जाएगा आपका एक वचनम। कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचनम। तो समुद्र से में समुद्र शब्द हैं, षष्ठी विभक्ति हैं और एक वचन है। अगला ले रहा हूँ हिमाद्रहे। हिमाद्रहे का जो आपका मूल शब्द है वो मूल शब्द है हिमाद्री शब्द है। कौन सा शब्द है? हिमाद्री। जैसे हरि का बनता पंचमी और षष्ठी में हरे हे बनता है, उसी प्रकार हिमाद्रे का भी क्या बनेगा? हिमाद्री शब्द का हिमाद्रे। तो विभक्ति एक तो इसमें आपकी हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, मैं ऐसे लिख रहा हूँ चतुर्थी विभक्ति, और एक हो जाएगी आपकी पंचमी। इन दोनों का कौन सा वचन? एक वचन। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति इन दोनों का एक वचन क्या बनता है? हिमाद्रे बनता है। अगला देखो हिमालयात। हिमालयात राम का पंचमी का एक वचन रामात बनता है। देखो आप एक शब्द याद कर देते हो तो बाकी वाले शब्द तो अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे राम शब्द आपको याद है तो हिमालय वगैरह जितने भी शब्द आ रहे हैं ना, समुद्र आए, पुरुष आए, प्रसूत आए, सकात आए, ये सारे के सारे शब्द एक जैसे चलते हैं, इसमें कोई कठिनता वाली बात नहीं है। जैसे हिमालयात है तो आप देखो इसमें जो मूल शब्द हैं वो हिमालय हैं। क्या हैं? हिमालय। और इसमें आपकी विभक्ति कौन सी है? इसमें पंचमी विभक्ति है। और आपका वचन कौन सा हो गया? एक वचन। कौन सा वचन? एक वचन। तो हिमालय शब्द, पंचमी विभक्ति और एक वचन। देशम है, देशम वही राम शब्द की तरह चलाओ आप, राम शब्द का द्वितीय के एक वचन में रामम बनता है, तो देश से भी क्या बन जाएगा? देश से विभक्ति करोगे आप कौन सी? विभक्ति कौन सी करोगे आप देश से? द्वितीय विभक्ति। देश शब्द है, द्वितीय विभक्ति किया और वचन कौन सा है? एक वचन। तो देश शब्द से द्वितीय विभक्ति और एक वचन देशम बनता है। अगला है पुरुषाह। पुरुषा में देखो आप इसका राम रामो रामाहा, पुरुषाह पुरुषाहो पुरुषाहा, तो बन जाएगा इसका जो मूल शब्द है वो है पुरुष है, और विभक्ति कौन सी हो गई? प्रथमा विभक्ति है इसमें, और वचन इसका कौन सा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार प्रसूत है, प्रसूतस्य, प्रसूतस्य में रामस्य की तरह सेम वही बन जाएगा, मूल शब्द प्रसूत हैं, इसमें विभक्ति कौन सी है? विभक्ति है इसमें षष्ठी विभक्ति है, और वचन हो जाएगा आपका एक वचन। ठीक। अब अगला शब्द है आपका सकासाद। इसमें आप देखो सकास शब्द है, सकास का मतलब बताएं पास में। सकास शब्द में आप विभक्ति करोगे कौन सी? पंचमी विभक्ति, और पंचमी का वचन कौन सा हो जाएगा आपका? एक वचन। तो आपका देखो हो गया सिद्ध सकासात में पंचमी का एक वचन। अगला है दृष्टिम। दृष्टिम वही है जब आप हरि शब्द का बनाते हो ना, हरि का द्वितीय के एक वचन में बनता है हरिम, तो दृष्टि का भी क्या बन जाएगा? दृष्टिम। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मूल शब्द है दृष्टि, विभक्ति कौन सी हो जाएगी आपकी इसमें? द्वितीय विभक्ति, और आपका इसमें वचन कौन सा हो जाएगा? एक वचन। दृष्टि शब्द है द्वितीय विभक्ति का एक वचन में शब्द बनता है। कुछ और भी शब्द हैं जैसे मैं ले रहा हूँ इसमें यया शब्द। यया शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग में बनता है, और इसका मूल शब्द है यद शब्द। कौन सा शब्द है? यद। यद शब्द से स्त्रीलिंग में जब आप तृतीय विभक्ति करोगे, कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति, और वचन है आपका इसमें एक वचन। कौन सा वचन है? एक वचन। यद सबसे तृतीय विभक्ति का एक वचन। और यस्य है, ये पुल्लिंग का बनता है, इसमें भी यद शब्द है। कौन सा शब्द है? यद शब्द। यस्य में यद शब्द है, और आपकी इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति, और इसमें वचन कौन सा है? एक वचन से बनता है। ये जो तस्य है ये भी सेम टू सेम यस्य की तरह तस्य बनता है। यस्य में यद शब्द है और तस्य में तद शब्द है। तद शब्द में वो भी विभक्ति कौन सी आपकी? षष्ठी, और आपका वचन कौन सा इसमें? एक वचन। इससे भी आपका ये शब्द बन जाता है। अगला है राष्ट्र। राम का सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? रामे। तो राष्ट्र में इसका मूल शब्द है राष्ट्र शब्द है, और इसकी जो विभक्ति है वो विभक्ति कौन सी है आपकी? सप्तमी, और इसमें वचन है आपका एक वचन। अगला है राष्ट्रीयान है। राष्ट्रीयान का जो मूल शब्द है वो है
राष्ट्रीय शब्द है, क्या शब्द है, मूल शब्द है राष्ट्रीय शब्द है। और देखो राम का द्वितीय के बहुवचन में रामान बनता है, तो इसका भी विभक्ति हो गई द्वितीय और वचन हो गया आपका बहुवचन, बहुवचन में क्या बन जाएगा राष्ट्रियान बन जाएगा। अगला है विद्य, देखो विद्या शब्द, रमा शब्द आपको आता है तो रमा रमे रमाहा, रमा रमे, रमा किस में आया द्वितीय में, रमा रमे रमाहा रमाम रमे रमाहा। तो थोड़ा इसमें आप ध्यान रखा, ये जो विद्या है इसका जो मूल शब्द है वो क्या है विद्या है। अगर मैं विभक्ति की बात करूँ इसमें तो विभक्ति में प्रथमा भी है और द्वितीय भी है, और वचन कौन सा है, वचन है आपका द्विवचन। प्रथमा में भी विद्य बनता है द्विवचन में, और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में भी क्या शब्द बनता है आपका विद्य शब्द बनता है। अगला है शस्त्रेण शब्द है, राम का तृतीय के एक वचन में रामेण बनता है, तो शस्त्रेण में भी मूल शब्द आपका क्या हो गया शस्त्र शब्द है, और शब्द शस्त्र शब्द विभक्ति कौन सी करोगे तृतीय, और वचन कौन सा करोगे आप एक वचन। इस प्रकार आपके जो ये शब्द रूप है, अगर आप एक शब्द रूप याद करते हो हमेशा आप क्या करो अकारांत पुल्लिंग का एक राम शब्द याद कर लो, एक आप इकारांत का हरि शब्द याद कर लो, एक आप रमा शब्द और एक नदी शब्द, इन शब्दों को आप याद कर लो तो बाकी जितने भी शब्द लगभग आप 80% शब्दों का आप व्यवहार अपने आप ही करने लग जाओगे। तो इन शब्दों को याद से क्या है कि बाकी शब्द को आपको इसमें ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती है, तो इन शब्दों को आप कंठस्थ कर लिया करो और बाकी आपके जितने जो प्रश्न बनते हैं उसको अपन अगली क्लास में लेंगे। धन्यवाद।